सृष्टि में। क्या आपको पता है कि पौराणिक काल में समुद्र मंथन के दौरान वह कौन से रत्न थे जो प्राप्त हुए थे? आइए जानते हैं। पहला, समुद्र मंथन में सबसे पहले हलहल विष निकला, इसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। दूसरा, रत्न कामधेनु गाय थी, इस रत्न को ऋषियों ने अपने पास रखा। तीसरा रत्न उच्च शिरवा घोड़ा था, इस रत्न को भी राजा बलि ने अपने पास रखा था। चौथा रत्न एरावत हाथी था, जिसे भगवान इंद्र ने अपने पास रखा। पांचवा रत्न कौस्तुब मणि, जिसे भगवान विष्णु ने हृदय पर धारण किया। छठा रत्न कल्प वृक्ष था, इस रत्न को देवताओं ने अपने स्वर्ग में लगाया था। सातवां रत्न अप्सरा रंभा निकली थी, इनको भी देवताओं ने अपने पास रखा था। आठवां रत्न देवी लक्ष्मी थी, इस रत्न को देवता ऋषि और दानव सभी अपने पास रखना चाहते थे, किंतु लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास रहना स्वीकार किया था। नौवां रत्न वारुणी देवी निकली थी, जिसका अर्थ मदिरा होता है, इसको दानवों ने ग्रहण किया था। दसवें रत्न में चंद्रमा था, इसे भगवान शंकर ने मस्तक पर धारण किया था। ग्यारहवें रत्न में पारिजात वृक्ष निकला, जिसे सभी देवताओं ने ग्रहण किया था, क्योंकि इसे स्पर्श करते ही थकान दूर हो जाती थी। बारहवें में शंख निकला था, जो भगवान विष्णु ने अपने पास रखा था। और अंत में तेरहवें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, उनके हाथ में चौदहवें रत्न के रूप में अमृत कलश था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी। ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।